मानव संसाधन विकास मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को झूठा और लूटा बताया। उन्होंने कहा कि अब तो एमपी की सरकार को वादा खिलाफी की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब झूठ और कांग्रेस मतलब लूट है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उन्होंने एक्सीडेंटल सरकार बताया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को 3 सीटें और मिल जाती तो एमपी में भाजपा की सरकार बन जाती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद दिग्विजय सिंह का पाप है जिनसे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी को सरकारी विमान से देश से बाहर भेजा गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आतंकवाद के नजरिए से देखते हैं, लेकिन उसको मजहब का कलर देने का पाप कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी ने किया है और इसका हिसाब इस भोपाल के चुनाव में होगा। भोपाल में और भी एक मुद्दा निश्चित महत्वपूर्ण है। भोपाल की गैस त्रासदी जिसमें 30,000 लोगों मरे, गरीब 30,000 लोग मरे, उस गैस त्रासदी के जो मुख्य आरोपी थे एंडरसन उस समय इधर थे, लेकिन उनको सरकारी विमान से, और मुझे मैं गलत नहीं हूंगा तो अर्जुन सिंह के उस मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह थे, मंत्री नहीं थे, तो उस समय ये एंडरसन को देश के बाहर ले जाने का काम ये यहां हुआ, इसकी भी याद रोज रखेंगे कि ये कांग्रेस का चरित्र है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ राम पवार की रिपोर्ट।